इसी आधार पर हमको टिकट दी गई। मैं चाहूँगा कि हम लोगों की जो मेहनत है, क्षेत्र के लोगों की मेहनत है, इन लोगों की जो रिपोर्ट है, सर्वे की रिपोर्ट, उस आधार पर ही ये टिकट का वितरण हुआ है, ना कि और कोई कारण नहीं था। कल तक बाबा जी का नाम चल रहा था और आज आपको हो सकता है कि आधार को लेकर रात के 9 बजे जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है उसी में फाइनल हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि जो भी फाइनल हुआ तो वहाँ हुआ है। क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप लोग? हम लोग चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। 15 सालों 29 साल से यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन कभी भी एक जो भी यहाँ फैक्ट्री है वो कांग्रेस की एमपी है, ऐसा कोई रोजगार नहीं आया इन 29 वर्षों में जिसके लिए हम लोग कोई उन लोगों की उपलब्धि मान सकते। मैं चाहूँगा इस हमारे बुंदेलखंड अंचल की जब तक हम यहाँ की आवाज़ युवाओं के लिए उद्योग नहीं देंगे, उद्योग की मांग नहीं रखेंगे, तब तक यहाँ का उन्नतिशील हमारा युवा नहीं हो पाएगा। अभी तक भी लिस्ट जारी नहीं हो पाई है क्या? लिस्ट तो पार्टी की रणनीति के तहत आज या कल में कर दी जाएगी, लेकिन 14 नाम कल की लिस्ट में फाइनल हुई है, उसमें आपका भी नाम।